लेकिन उसकी एक आदत खराब थी कि वह खाना खराब करता था। इसको देख के चिंतित ससुर सिंदूर को खाने की अहमियत के बारे में सिखाने की ठान ली। घर आने पर सिंदूर अपने ससुर के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए आंख में पानी भर लेता है। साधुपुर नाम की गांव में सिंदूर नाम का एक लड़का रहता था। वह देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी एक आदत खराब थी कि वह खाना खराब करता था। वह ज्यादा खाना लेकर खाना फेंक देता था। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। वह घर जमाई बन गया। उसके ससुर ने उसको तिजोरी की चाबी और बाकी सभी जिम्मेदारी सौंप दी और बोले, मैं अभी तक अच्छे से कारोबार चलाता आया हूँ, अब तुम्हें इन सब को कारोबार की जिम्मेदारी को निभाते हुए कारोबार चलाना है। सिंदूर ने अपने ससुर की बातों को कबूल किया। सिंदूर इसके बाद अपने पत्नी को बार बार कभी खाना, कभी चाय और कभी नाश्ता करवाते सताते रहता था। अब उसकी ससुर को इसके बारे में पता चला तो वह सिंदूर को बोले, तुम्हें दिन भर में जो चाहिए एक बार में क्यों नहीं बोल देते। तो सिंदूर उदासी से कहता है, मैं तो एक साथ बोलता हूँ लेकिन वो कम पड़ जाता है। सिंदूर के ससुर ने इसके बाद पकाया हुआ खाना कहाँ जाता है इसकी पता लगाने के लिए रसोई में थोड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ दिन रसोई में देखने पर उनको पता चला कि सिंदूर की मांग के अनुसार ज्यादा खाना बनता और वह पूरा न खाने की वजह से बहुत सारा खाना फ्रिज में पड़ा रहता था। इसको देख के चिंतित ससुर सिंदूर को खाने की अहमियत के बारे में सिखाने की ठान ली। एक दिन उन्होंने सिंदूर को बुलाकर कहा, हमारे पहले वाले नौकर के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना है, क्या तुम भी चलोगे? सिंदूर भी अपने ससुर के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अपने नौकर की बस्ती में जाकर सिंदूर के ससुर ने कहा, मैं अभी रास्ता पूछकर आता हूँ। इसके बाद सिंदूर वहीं खड़ा रहा। सिंदूर ने एक घर के अंदर झांक कर देखा तो एक छोटा बच्चा भूख के कारण रो रहा था। उसकी माँ ने अपने अनाज के सारे डिब्बे बर्तन देखे लेकिन वो खाली थे। यह देखकर सिंदूर को रोना आ गया। कुछ देर बाद उसके ससुर आए और उसको अपने नौकर के घर लेकर गए। नौकर के घर जाने पर उसका लड़का बीमार लेटा हुआ था। जब सिंदूर के ससुर ने बीमारी का कारण पूछा तो नौकर ने कहा, ये घर से बचा हुआ भोजन लेकर खाया था लेकिन उसको नहीं पता था कि वह खाना खराब था। उसको खा के बेटे की तबीयत खराब हो गई है। यह कहकर वह रोने लगा। कुछ देर के बाद सिंदूर और उसके ससुर अपने घर आ गए। घर आने पर सिंदूर अपने ससुर के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए आंख में पानी भर लेता है। जब उसकी ससुर ने कारण पूछा तो सिंदूर कहता है, मैं खाने को कितना बर्बाद करता था और किसी को खाने के लिए दो वक्त की रोटी भी नहीं है, अब के बाद मैं खाने को कभी बर्बाद नहीं करूंगा। सिंदूर को खाने की कीमत महसूस होने पर उसके ससुर खुश हो जाते हैं और सिंदूर ससुर से कहता है, हमें अन्न को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसके प्रायश्चित के लिए मैं अपनी हैसियत के हिसाब से हर दिन अन्नदान का बीड़ा उठाता हूँ। कहते हुए प्रसन्नता से अपने घर के पास के मंदिर जाके अन्नदान पे जुट जाता है। सुंदरपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य में एक दिन एक मुसाफिर आता है जो साधु जैसे पहनावा पहना था। वह शहर के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान के लिए बैठ जाता है। कई दिनों तक वह साधु वहाँ पे बिना कुछ खाए पिए ध्यानस्थ होकर बैठा था। उस राज्य के लोगों को यह लगने लगा कि यह बाबा सच में कोई महान संत है, तो सारे उनके दर्शन के लिए आने लगे। जब यह खबर सुंदरपुर की राजा तक पहुँचती है तो वो खुद भी बाबा के दर्शन के लिए आ जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया तो राजा का वह संत पर विश्वास भी बढ़ने लगा
तो वह संत से राजा अपने छोटी बड़ी सारी समस्याएं सारी बातें बांटने लगा और उनकी सलाह लेने लगा और उनके रहने के लिए एक अच्छा सा कुटीर भी बनाया और 2-3 सेवक को भी लगा दिया। राजा का कोई बेटा नहीं था मगर राजा को एक बेटी थी और राजकुमारी बहुत सुंदर थी। राजकुमारी जैसी सुंदर आसपास की कोई राज्य में नहीं थी। सुंदरपुर की राजा ने अपनी बेटी की विवाह बहुत छोटी उम्र में ही बगल वाली राज्य की राजकुमार से निश्चय कर दिया था। महल के सारे लोगों को बात करते हुए सुनकर राजकुमारी भी वह संत से मिलने की इच्छा प्रकट करती है मगर राजकुमारी को महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। मगर एक दिन राजकुमारी को मौका मिलता है और वो सबसे नजर बचाकर साधु को मिलने चली जाती है मगर यह संत की भेस में ठग था। वह कोई साधु नहीं था। जैसे ही वह राजकुमारी को देखता है तो वह मोह में पड़ जाता है और राजकुमारी से विवाह करने की आलोचना करता है। राजकुमारी केवल दिखने में सुंदर नहीं थी, बहुत होशियार भी थी। उसने वो साधु की आंखों में वो लालच देखी और उसे समझ में आ गया कि यह साधु कपटी है। जैसे ही मन में ये विचार आया, राजकुमारी वहाँ से भाग निकली मगर साधु भी उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए भागा मगर वह पकड़ नहीं पाया तो उसको बहुत गुस्सा आया। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी, देखो तुम्हारा हश्र मैं क्या करता हूँ। अरे ये तो साधु नहीं है, ये तो कोई कपटी है, इससे तो बचकर मुझे महल पहुँचना ही है। राजकुमारी सोचती ही रही मगर साधु ने अपने हाथ में जो त्रिशूल था उसको जोर से राजकुमारी की ओर फेंक देता है और राजकुमारी के पैर में वो लग जाता है। अरे मेरी पैर में ये लग गया, अब मैं कैसे भागूं? मगर राजकुमारी दर्द को सहन करने की शक्ति भी रखती थी, वह बहुत हिम्मतवर थी तो उसने उस त्रिशूल निकाल फेंका और जैसे तैसे करके महल पहुंच गई। अरे इसको तो किसी और को नजर नहीं आना चाहिए, इस घाव को मैं खुद मरहम पट्टी करूंगी। ऐसे कहते हुए अपने घाव पे मरहम पट्टी करती है और घबराहट से राजकुमारी रोने लगती है। दूसरे दिन राजा साधु के पास पहुंचता है तो साधु सीधे मुंह बात भी नहीं करते तो राजा दुखी होता है और पूछता है, क्या बात है गुरुजी, मुझसे कोई भूल हो गई? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? राजन, मैं जो कहूँगा वो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी, कहिए क्या बात है? तो फिर सुनो राजन, इस राज्य में एक बुरी आत्मा है, अगर उसका अंत नहीं किया गया तो वो सबको खत्म कर देगी। यह सुनकर राजा के मन में घबराहट पैदा हुई और वह कहा, बुरी आत्मा कौन है वो, उसे कैसे पकड़ा जाए? यह आत्मा आपकी महल में एक सुंदर लड़की का रूप लेकर रह रही है। कल रात को ये आत्मा हमसे मिलने हमारे कुटीर पर आई थी, लेकिन जैसे ही हमने अपने त्रिशूल उसकी तरफ फेंका तो उसने अपनी असली रूप में आ गई। उसने एक भयानक रूप धारण कर लिया, अगर मैं साधु नहीं होता तो वो मुझे भी खत्म कर लेती। मगर गुरुजी, ये तो बताइए कि मैं उसे पहचानूंगा कैसे? ऐसे कहते हुए राजा अपनी चिंता प्रकट करता है। तब ये कपटी सन्यासी कहता है, उसे ढूंढो, उसके पैर पे त्रिशूल का घाव है, अपनी राज्य में ढंका बजा दो, मिलते ही उसे कैद कर लो, फिर मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। यह सुनकर चिंतित राजा अपनी महल के ओर दौड़ता है और महल की कर्मचारी को बुला के कहता है कि जिसकी पैर पे त्रिशूल की निशान है उस लड़की को ढूंढने के लिए। उसके महल के नौकर और सैनिक पूरे राज्य में ढूंढते हैं मगर उनको ऐसी कोई लड़की नहीं मिलती है। मगर आखिर में यह पता चलता है कि राजकुमारी की पैर पे त्रिशूल का निशान है और यह बात सेवक आके राजा को सुनाते हैं। यह बात सुनते ही राजा परेशान होकर साधु के पास पहुंचता है और सारी बातें साधु को कहता है और यह निवेदन करता है कि शायद साधु से कोई भूल हुआ हो। साधु को तो ये अंदाजा था, वह पहले से ही सोच कर बैठा था और राजा से कहता है, राजन तू जिसे राजकुमारी समझ रही हो वो असल में तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम्हारी असली बेटी को पैदा होते समय एक जादूगरनी ने चुरा लिया था और उसे इस बुरी आत्मा से बदल दिया था। अब तुम पर है राजन,
मेरी बात मानो या ना मानो, अगर नहीं मानोगे तो राज्य का विनाश निश्चित है। राजा को साधु पर अटूट विश्वास था, इसीलिए ज्यादा न सोचते हुए राजा ने साधु की बात मान दी। और राजा अपनी बात को मान रहा है, इसका भनक लगते ही साधु कहता है, एक बड़ी संदूक मेरी कुटिया में रख दो और रात होते ही किसी को भनक ना लगते हुए राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। राजा बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे साधु ने कहा था, और राजा और साधु दोनों मिलकर उस संदूक में राजकुमारी को डालकर उसको बंद कर देते हैं और रात को ही उस संदूक को नदी में बहा दिया। उसके बाद राजा महल चला गया और साधु अपने कुटीर। मगर साधु को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली थी, क्योंकि वह खुद राजकुमारी को सजा देना चाहता था। इसलिए कुटिया में पहुँचते ही अपने दो शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्हें सपने में भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने कहा है कि नदी में तैरते हुए संदूक एक उनको मिलेगी और उस संदूक में बहुत कीमती चीज है, और इसलिए दोनों शिष्यों को कहता है कि वो तुरंत जाए और वो संदूक को ढूंढ के कुटीर में ले आए। गुरु की बात सुन के दोनों शिष्य नदी की ओर चल पड़ते हैं। अगले दिन पड़ोस की राज के राजकुमार नदी किनारे शिकार पर आए थे। अचानक राजकुमार की नजर नदी में तैरते हुए संदूक पर पड़ती है और वह सैनिकों को तुरंत वह संदूक बाहर निकालने की आदेश देते हैं। इतनी बड़ी संदूक को देख के राजकुमार को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, मगर वह संदूक को खोल के देखने की निश्चय करते हैं और खोलते हैं। जैसे ही संदूक खोलता है तो वह आश्चर्य और बढ़ जाता है, क्योंकि संदूक में बहुत सुंदर सी एक कन्या थी। इतनी सुंदर कन्या राजकुमार ने पूरी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। राजकुमारी डरते ही संदूक से बाहर आती है और राजकुमार को सब कुछ बताती है। राजकुमार भी स्वयं अपना परिचय देते हैं कि वो पड़ोस की राजकुमार है, जिसकी शादी राजकुमारी के साथ बचपन में तय हुई थी। राजकुमार राजकुमारी को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि वह तुरंत वहीं पे गांधर्व विवाह करेंगे, और उन दोनों ने गांधर्व विवाह कर लिया। और सैनिकों को राजकुमार आदेश देता है कि उस पेटी में एक जंगली बंदर को बंद करके फिर से नदी में बहा दिया जाए। राजकुमार राजकुमारी के साथ अपने महल वापस चला जाता है। इधर साधु के दोनों शिष्य पेटी को नदी में तैरते हुए देखते हैं और उस संदूक को ले जाकर साधु के कुटीर में रख देते हैं। पेटी को देखकर साधु को बहुत संतोष होता है और वह दोनों शिष्यों को कहता है, जब तक वो ना कहे तब तक कुटिया के अंदर ना आए और कुटिया के बाहर पहरे पर खड़े हो जाएं। फिर क्या था, साधु ने कुटिया की दरवाजा बंद किया और संदूक को खोला। पेटी से निकली हुई बंदर साधु के ऊपर कूद कर उसको बहुत सताती है। साधु चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मगर कोई कुटिया की दरवाजा नहीं खोला। इस तरह साधु को अपनी किए की सजा मिल गई। कभी ने झूठ के कारण हम दोनों परेशान हो गए हैं। हम आपसे वादा करते हैं, आपसे फिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे। रामपुर नाम के गांव में दो भाई बहन अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। चिंटू और पिंकी को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए वो बहाने बनाकर स्कूल जाने से बचा करते थे। पिंकी, मेरा होमवर्क नहीं हुआ है और कल मुझे स्कूल भी नहीं जाना, बताना क्या करें? चिंटू, होमवर्क तो मैंने भी नहीं किया। ऐसा करते हैं, तबीयत खराब होने का बहाना बना लेते हैं। ऐसा करेंगे तो मम्मी हमें स्कूल नहीं भेजेगी। दोनों आज रात ही तय कर लेते हैं कि कल वो तबीयत खराब होने का बहाना बनाएंगे। अगले दिन उनकी मम्मी के पास आती है। अरे बच्चों, स्कूल नहीं जाना क्या? चलो उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं मम्मी, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है। तुम चिंटू, तुम तो जाओ। मम्मी, मेरे पेट में भी दर्द है। ऐसा क्या खा लिया तुम लोगों ने जो इतना दर्द हो रहा है? ये तुम बहाना तो नहीं बना रहे? सच सच बताओ। नहीं मम्मी, सच बोल रहे हैं। तभी चिंटू के पापा अंदर आते हैं। सोनो, अरे भाग्यवान जाओ, उनकी तबीयत सही नहीं है, तो रहने दो ना, क्यों जिद कर रही हो? बच्चों, लो तुम ये दवाई खा लो, मैं तुम्हारे पेट दर्द को आराम मिलेगा। बच्चे सोने की दी हुई वो पेट दर्द की दवाई खा लेते हैं, पर कुछ घंटों बाद दोनों को तेज दर्द होने लगता है। चिंटू, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कुछ तो करो ना, सहन नहीं हो रहा है, दर्द तो मुझे भी बहुत है, रुक मैं कुछ करता हूँ। चिंटू अपने पापा के कमरे में जाता है, कुछ दवाई देखने लगता है। तभी उसे एक पीली रंग की दवाई दिखाई देती है। वो उसे छुपाकर अपने साथ ले आता है और पिंकी को देता है और खुद भी एक गोली खा लेता है। पिंकी, मैंने पापा के मुंह से एक बार सुना था कि जब ज्यादा पेट दर्द हो जाए तो ये गोली सब ठीक कर देती है, तो देखना हम कुछ ही देर में ठीक हो जाएंगे। हाँ भाई, सच में मेरा बहुत दर्द हो रहा है भाई, सहन नहीं हो रहा है, कुछ करो,
पता नहीं क्या खा लिया है। ऐसे ही 5 घंटे और बीत जाते हैं, पर उन दोनों का दर्द कम होने के बजाय और बढ़ जाता है और दोनों दर्द से रोने लगते हैं। भाई बहुत दर्द हो रहा है। पिंकी, उस दवाई से कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा दर्द और बढ़ गए हैं। मुझे भी नहीं पता भाई, आप कुछ करो ना, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। पिंकी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हमने दवाई खाकर गलती तो नहीं कर दी। तभी उनकी माँ उनके सामने आती है। गलती तो करी है तुमने, चलो अब सच सच बताओ क्या छिपा रहे हो तुम दोनों, नहीं तो मुझे और तरीके भी आते हैं पता करने के। तुम अपनी माँ को सब सच सच बता दो। दोनों अपनी माँ को सब सच सच बता देते हैं। बच्चों, बिना दर्द के दवाई खाओगे तो यही होगा ना, झूठ बोलने की सजा है तुम्हारी। अब बताओ आगे से कभी झूठ बोलोगे? नहीं मम्मी, नहीं कभी नहीं। इस झूठ के कारण हम दोनों परेशान हो गए हैं। हम आपसे वादा करते हैं आपसे फिर कभी झूठ नहीं बोलेंगे, पर प्लीज ये दर्द सही करवा दो ना, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ, वो तुम्हें दवाई देंगे जिसे खाकर तुम ठीक हो जाओगे। रुको, अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। चुनमुन डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर उन दोनों को देखकर उन्हें कुछ दवाई देते हैं जिसे खाकर वो दोनों एकदम ठीक हो जाते हैं। पर आज उन्हें ये सीख भी मिल जाती है कि झूठ बोलने से क्या क्या हो सकता है, और वो आगे से कभी ना झूठ बोलने की कसम खाते हैं। बहुत मजे से आम खाने लगती है और गुठली दूसरी तरफ फेंकने लगती है। तभी गुठलियों को देख कर पीलू को एक आइडिया आता है। सोनपुर में पीलू चिड़िया अपनी माँ बुलबुली चिड़िया के साथ रहती थी। उसके पिताजी मेहनत मजदूरी करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छे पैसे नहीं मिलते थे। इस वजह से उसकी माँ को दूसरे के घरों में काम करना पड़ता था। वो दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके अपना घर परिवार पालने लगी। एक दिन पीलू के मामा टिल्लू उसके घर आते हैं और कहते हैं, बबली बहन, मुझसे तेरी ये हालत नहीं देखी जाती, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अच्छे से रखूंगा। बबली उसे कहती है, नहीं भाई, मैं अपने घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक बार लड़की अपने पिता के घर से ससुराल आ जाती है तो वही उसका घर रहता है। टिल्लू अपनी बहन की समझदारी देखकर बहुत खुश होता है और वहां से चला जाता है। एक दिन बबली अपने काम से वापस घर आ रही थी। बबली चिड़िया अपने घर आती है, वो बहुत थकी हुई होती है। पीलू उसे एक ग्लास पानी देती है। तभी वहां पर उनका मकान मालिक कड़क चंद आ जाता है। ए बबली चिड़िया, 2 महीने से तूने मेरे घर का किराया नहीं दिया, या तो किराया दे या फिर ये घर खाली कर। बबली उसे कहती है, सेठ जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरे घर की हालत कितनी खराब है, इनका कोई काम नहीं जम रहा है, मुझे जो पैसे मिलते हैं उससे सिर्फ घर खर्च चलता है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द ही आपका पूरा किराया चुका दूंगी। नहीं, मैं तेरी एक बात भी नहीं मानूंगा, तूने वैसे ही बहुत देर कर दी है, तू या तो मुझे कल की कल किराया दे या फिर ये घर खाली कर। इस तरह कड़क उसको धमका के वहां से चला जाता है। कड़क सेठ की धमकी से बबली बहुत दुखी हो जाती है। बबली सोचती है, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरी तो लड़की भी है, मेरा भाई मुझे लेने आया था पर मैंने उसे मना कर दी, अब तो मैं मायके भी नहीं जा सकती। पीलू अपनी माँ से कहती है, माँ तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। पर उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है, नहीं पीलू, गलती हमारी ही है, हमने 2 महीने से अपने मकान मालिक को किराया नहीं दिया है, वो तो घर खाली करने बोलेगा ही ना, चल अब हम दोनों मिलकर घर का सामान समेटते हैं, कल हम ये घर खाली कर देंगे। पीलू उससे पूछती है, लेकिन माँ कल हम कहाँ जाएंगे, ज्यादा सवाल जवाब मत कर, कल की कल देखेंगे। दूसरे दिन बबली और उसका परिवार घर खाली कर देते हैं और वे लोग दूसरी जगह की तलाश में दिन भर उड़ते रहते हैं। सुबह से रात हो जाती है लेकिन उनको कोई भी जगह नहीं मिलती। ऐसा करते करते वे लोग जंगल के आखिरी छोर में पहुंच जाते हैं। तभी पीलू कहती है, माँ देखो आम का बगीचा, देखो वहाँ पर आम के पेड़ पर कितने सुंदर सुंदर आम लगे हुए हैं, मैं जाकर कुछ आम खा लूँ, सुबह से शाम हो गई मैंने कुछ नहीं खाई, मैं आप लोगों के लिए भी आम तोड़कर लाती हूँ। उसकी माँ उससे कहती है, बेटी तू ही जाके आम खा ले, मैं तो अभी यहीं डाल पे थोड़ी देर आराम करती हूँ। फिर पीलू आम के पेड़ के पास जाकर बहुत मजे से आम खाने लगती है और गुठली दूसरी तरफ फेंकने लगती है। तभी गुठलियों को देखकर पीलू को एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं इन गुठलियों से एक सुंदर सा घर बना लूं, ये गुठलियां खराब भी नहीं होंगी और माँ को भी
अपना घर पाकर खुशी होगी। पीलू अपनी माँ के पास जाकर उससे कहती है, माँ क्यों न मैं आम की गुठलियों से घर बना लूँ, हमें किसी को पैसे भी देने नहीं होंगे और हमारा घर भी आम की तरह अच्छा बन जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है पीलू, चल हम अभी उस आम की गुठलियों से घर बनाते हैं। इस तरह से पीलू, बबली और उसके पिताजी आम की गुठलियों का घर बना लेते हैं और जंगल के पक्षी उस अनोखे घर को देखने के लिए आते हैं। अरे वाह पीलू, तूने तो आम की गुठलियों से गजब का घर बनाया है, हमने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। हाँ हाँ बबली, तेरी बेटी देखना एक दिन बहुत आगे जाएगी, ये बहुत ही मेहनती है। इस तरह से बबली अपनी बेटी की तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।